फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू ऑल? होप यू आर डूइंग ऑल वेल। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, बहुत अच्छे से होंगे। तो आज मैं क्या है कि मैं अपनी जो है क्रॉकरी की अलमीरा को ठीक कर रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो आपके साथ इन चीज़ों को शेयर करती हूँ। और एक्चुअली क्या होता है कि हम जब अपनी चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं तो हमें जब इनकी ज़रूरत होती है तो हमें टाइम से ये मिल जाती है। और अगर हम इन्हें अच्छे से नहीं रखें, इधर उधर कभी कहीं कोई चीज़ कहाँ पड़ी होती है, कभी कहीं एकदम से गेस्ट आ जाएं, हमें पार्टी ऑर्गेनाइज़ करनी हो, कुछ भी हो, तो हमें वो चीज़ नहीं मिलती और हम परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों को हमें एक अलमीरा में अच्छे से सेट करके रखनी चाहिए, ताकि जब भी हमें ज़रूरत हो हम एकदम से, हमें ये चीज़ सामने हो हमारे और हम उसे ले सकें। तो चलिए व्लॉग को शुरू करते हैं और कोशिश करूँगी। मेरी अलमारी तो एक्चुअली क्या है, बहुत छोटी सी है और चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, तो देखते हैं कैसे सेट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी सारी जो है क्रॉकरी है, कुछ छोटे मोटे बर्तन भी हैं इसमें। तो ये कुछ मैंने जो है कलेक्ट करे हुए हैं, कलेक्शन है ये मेरी। कुछ मेरी बहुत पुरानी भी है, कुछ नई भी हैं। तो ये देखिए, ये इस तरीके से अभी मैंने बेड पे रखा हुआ है सारा सामान, तो अभी मुझे अलमीरा में लगाना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ मेरी अलमीरा कौन सी है। देखिए मेरी ये एक जो है अलमीरा है, छोटी सी है, ज़्यादा इसमें शेल्फ भी नहीं है। और ये थोड़ा सा मैंने डेली अपना यूज़ करा सामान यहाँ इधर रखा हुआ है। सुबह चाहिए होता है बच्चों के लिए, पाउडर है, बच्चों की क्रीम है, कोम है, हेयर ऑयल है, तो ये सब मैंने यहाँ पे बच्चों के लिए ही सुबह चाहिए होता है जल्दी जल्दी, तो यहीं पे एक साइड में रख दिया है। और ये अलमीरा है, तो इसमें ही मुझे अपना सारा जो सेटिंग करनी है, तो देखते हैं कैसे कर पाती हूँ मैं। क्रॉकरी का बहुत शौक है कलेक्ट करने का। कुछ मेरी शादी में भी जो है गिफ्ट मिलते हैं जैसे, तो वो भी मैंने कलेक्ट करके देख ली, अभी तक रखे हुए हैं बिल्कुल ऐसे कैसे न्यू के न्यू रखे हुए हैं। कुछ मुझे बर्थडे गिफ्ट्स भी मिले हुए हैं, कुछ एनिवर्सरीज पे मिले हुए हैं, तो बस यही सब चीज़ें इकट्ठे हो जाती हैं। खुद भी परचेस करे हुए हैं, तो ये सब इकट्ठे हुए हुए हैं। तो अब इनको मैंने कैसे रखना है तो मैं आपको बताती हूँ। और क्या क्या है ये देखिए, ये जैसे ये ग्लास है, ये देखिए गोल्डन ग्लास हैं। ये भी मुझे जो है मेरी फ्रेंड ने मुझे बर्थडे पे दिए थे, मुझे याद भी नहीं कब दिए थे, लेकिन मुझे इतना पता है बहुत पुराने हो गए हैं। मोर अबाउट आई थिंक मोर देन देन 10 ईयर्स, 10 ईयर्स से भी अबव हो गया है ये। मेरी शादी को ही 10 साल हो गए हैं, तो उससे भी पहले मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था मेरे बर्थडे पे, तो तब से हैं देखिए बिल्कुल न्यू के न्यू पैकेट में ही है। देखिए ये उसका पैकेट मैंने रखा हुआ है, क्राउन का है ये, तब से देख लीजिए बहुत संभाल के मैंने रखा है। अब धीरे धीरे थोड़ा ख़राब हो रहा है इसकी पैकिंग। ये सब चीज़ें भी हैं, ये भी मैंने लिए थे बर्तन, ये 3 का सेट है, 2 निकले, 2 ये रहे ऐसे बोल, और एक है मेरे पास ये सूप बोल्स हैं, ये सारी क्वार्टर प्लेट्स हैं, कटोरियां हैं, ये हैं बोल हैं, ये ऐसे बोल हैं, ये बोल सेट है मेरे पास, ऐसे 2 हैं ये इस तरीके से, ये बोल सेट हैं। और ये जो है इस तरीके से बहुत ही क्यूट हैं, बहुत ही अच्छे हैं। ये देखिए कितना अच्छा प्रिंट है इनका, मुझे जो फ्लावर वाले प्रिंट जो होते हैं ना वो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो ये इस तरीके से ये 2 का सेट मैंने लिया था, और इन्हीं के साथ जो है ये मिलती जुलती जो है क्वार्टर प्लेट्स हैं और ये कटोरियाँ। आपको पता है ये सब मैंने अलग अलग जगह से ली थी, लेकिन कोइंसिडेंट है कि एक जैसा मिल गया। ये कटोरी मैंने यहीं जयपुर से ली थी, ये मैं घर गई थी तो सोनीपत वहाँ से ली थी मैंने, ये नीचे वाली थी तो ये गोल वाली आपको नज़र आ रही है ये वाली, और ये मैंने यहीं जयपुर से ली थी। आप देखो है ना कोइंसिडेंट, बिल्कुल सेम प्रिंट का मिल गया। और ऐसी बड़ी प्लेट्स भी मैंने ली थी। और यहाँ पे ये हैं, ये मेरे आइसक्रीम कप्स हैं, ये आइसक्रीम जो छोटे छोटे हैं ये, या आप इसमें आप आइसक्रीम भी खा सकते हैं, पुडिंग ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप आइसक्रीम के लिए यूज़ करें, आप पुडिंग के लिए भी इसे यूज़ कर सकते हैं।
या आइसक्रीम बोल्स हैं वैसे तो। और ये देखिए ये भी हैं, ये देखिए नए के नए हैं, इनके अंदर अभी तक स्टिकर भी लगा हुआ है, ये न्यू के न्यू हैं, ये मेरी शादी पे मिले थे। ये देखिए ये भी हैं, ये भी मुझे गिफ्टेड है। ये हैं छोटे बोल्स हैं ये। पास क्या है कि ग्लास के कलेक्शन काफ़ी हैं, जैसे देखिए कितना क्यूट सा है ये, ऐसे छः का सेट है ये। ये हैं अभी तो ग्लास और भी हैं, मैंने अभी तो निकाले नहीं हैं, ये हो गए, ये दो ही लिए थे मैंने, ये दो का सेट था जग के साथ, इसके साथ एक जग भी है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये मेरी एनिवर्सरी पे लास्ट ईयर मुझे गिफ्टेड है, ये लास्ट ईयर हमें मिला था, मेरी सिस्टर लॉ ने दिया था मुझे। और ये देखिए ये सब हैं यहाँ पे। और ये देखिए ये जो है आप गेस कर सकते हैं कितना पुराना होगा, ये मेरी दादी का गिलास है, मेरी दादी की निशानी है ये, बहुत सारे थे टूट गए क्योंकि बहुत ही हल्के हैं ये, लेकिन मुझे बहुत प्यारे, बहुत प्यारे हैं ये, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, पुराने ज़माने का गिलास है ये। और दो ही रह गए थे, ये सिर्फ दो ही हैं, ये देखिए ये दो ही हैं सिर्फ, और भी डिज़ाइन के थे लेकिन धीरे धीरे सब टूट गए, बहुत पुरानी बात है, तो मैंने ये सब कलेक्ट करके रखे थे, तो दो ही बचे थे, दो मैं ले आई अपने पास, तो मेरी दादी की निशानी है, उनको भी क्रॉकरी का बहुत शौक था, उनके पास भी एक से एक क्रॉकरी थी, अंग्रेज़ों के ज़माने की थी, तो बहुत डेजर्ट्स वगैरह पुडिंग वगैरह बनाती थी और हमें भी खिलाती थी और ख़ुद भी खाती थी, उन्हें खाने का बहुत शौक था, तो खूब इंजॉय हम करते थे उनके साथ। तो ये बोल्स हैं शीशे के, ये बोल्स हैं, ये सर्विंग वाले बोल हैं, चार का सेट है ये। ये एग पोचर है, एग है ये, एग बॉईल करने के लिए है, ये देखे ये भी न्यू का न्यू भी रखा है, अभी यूज़ भी नहीं किया हमने, तो उसे करेंगे यूज़, देखते हैं, निकाला है ये मैंने। और ये देखे ये सूप बोल हैं, ये भी ये मैंने परचेज़ किए थे, मुझे बहुत अच्छे लगे थे ये, तो ये सूप हैं, छः का सेट है ये। ये इसके साथ स्पूनस हैं, ये भी देखे ये मेरे पापा की निशानी है, ये देखे ये मेरे पापा ने लेके रखा था, आइस बॉक्स है ये, सबको ये बहुत पसंद आता है घर में, बहुत बहुत अच्छा लगता है। इसके अंदर मेरी बेटी का बर्थडे जैसे अब आता है ना गर्मियों में, तो ये इसमें आइस क्यूब्स हम डाल लेते हैं तो हमें काम आ जाता है। ये देखिए ये वो जग जो मैं आपको बता रही थी, है ना कितना प्यारा सा। और ये एक और देखिए ये कप सेट है ये इस तरीके से, तो ये सब है, तो अभी इन सबको जो है मुझे ऑर्गेनाइज़ करना है, देखते हैं, मुझे भी खुद टेंशन हो रही है कि मैं कैसे रखूँगी इन सब चीज़ों को, क्योंकि ये हमारे घर में जब कोई फंक्शन होता है तो काफ़ी हमारी फैमिली बड़ी है तो काफ़ी लोग हो जाते हैं, मुझे ही चाहिए चाहिए, तो अब देखते हैं लगाते हैं। चलिए नज़र आ रहे हैं ना, ये बहुत ही ख़ास है, बहुत ही ख़ास है ये कप। आपको एक ट्रिक दिखाती हूँ मैं, इसमें ये ख़ास क्यों है मैं भी आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। ये मेरे भाई और भाभी ने, एक्चुअली मेरी छोटी बेटी का बर्थडे था, मैं लास्ट टाइम लास्ट ईयर या जून में अपने बच्चों की छुट्टियों में गई थी घर, तो जून में मेरी छोटी बेटी का बर्थडे आता है तो उसको ये गिफ्ट दोनों को किया था। ये देखिए है
है ना, कितना प्यारा। तो थैंक यू प्रीति सो मच वंस अगेन। प्रीति और मेरा भाई ऑस्मंड दोनों ने मिलके दिया था। देखिए दोनों में ही हो जाता है, इसमें जैसे बच्चे दूध पीते हैं ना गरम, तो जैसे गरम दूध डलता है ना इसके अंदर पिक्चर आ जाती है। जो भी पिक्चर आप इसमें मतलब लगाएंगे वो पिक्चर आ जाती है। तो ये है कुकू का, देखिए कुकू लिखा हुआ है इसमें, कुकू। ये है कुकू का मतलब मेरी छोटी बेटी का। और ये देखिए आ गई ना पिक्चर, ये निक्की का है, मेरी बड़ी बेटी का। कितना प्यारा है ना, बहुत ही एक अलग सी चीज़ है, बहुत ही। जब बच्चों ने ही पहली बार देखा था ना, उन्हें इतना पसंद आया था ना, बहुत। ये देखिए वंडरफुल, बहुत ही प्यारी चीज़, गज़ब की चीज़ लगी थी ये मेरे को, बहुत ही अच्छी लगी। देखो दोनों की पिक्चर्स इस पर बनी हुई हैं, दोनों सिस्टर्स की, बहुत ही अच्छा। शुरू शुरू में तो काफ़ी इस्तेमाल किया, बाद में इसे भी हमने रखा हुआ है, नहीं तो ख़राब हो जाएगा फिर, ये ख़राब हो रहा है धीरे धीरे, तो इसलिए इसको संभाल के हमने रखा है। हाय फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे मेरी ये ड्रेस कैसे चेंज होगी, कल तो मैंने रेड पहना हुआ था। एक्चुअली क्या कि ये सेकंड डे है व्लॉग का मेरे, एक्चुअली कल वीडियो जो मैं बना रही थी उस टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाई थी, क्योंकि बच्चों का जो है टाइम हो गया था, स्कूल से उन्हें लेकर आना पड़ता है, 1 बज गया था, और फिर मैं कर नहीं पाई थी वीडियो शूट अच्छे से। फिर मैंने आके थोड़ा अरेंज किया उसको, उसके लिए सॉरी मैं आपको दिखा नहीं पाई, लेकिन मैंने कैसे अरेंज किया है ये मैं अभी आपको दिखाती हूँ। और मेरी छोटी बेटी डिमांड करके गई थी, मम्मी मेरे लिए खीर भी बनाना, उनके लिए खीर भी मुझे बनानी थी, तो इसलिए मैं नहीं मतलब अच्छे से कर पाई इसको। तो फिर मैंने रात को खीर बनाई, शाम को मैं उसका वीडियो भी मैंने जो है अपलोड किया है। तो मैं दोनों चीज़ें, मेरी रेसिपी भी है इसके अंदर खीर की, और ये ऑर्गेनाइज आप कैसे कर सकते हैं एक छोटे शेल्फ में इतना सारा सामान, तो देखते हैं। देखिए जादू। पहले मैंने बॉक्सेस रखे हुए थे के बोल देख रहे हैं ना पीछे, पहले मैंने सोचा था इनको मैं रखूँगी इनके बॉक्सेस में ही रख दूँगी मैं, लेकिन फिर वो जगह बहुत ज़्यादा ले रहे थे, तो इस वजह से मैंने उन्हें निकाल दिया। ऐसे ये सब मैंने पहले बॉक्सेस में, बस इसको मैंने पीछे जो मेरे ग्लास है इनको बॉक्स में रखा, क्योंकि ये अच्छे से स्टैंड हो जाते हैं, इतना जगह नहीं ले रहे ये, तो इसलिए उसके ऊपर मैंने ये ऐसे जो है छोटे छोटे से बोल्स रख दिए हैं। ये देखिए ये इस तरीके से ये सारे यहाँ पे मैंने ये अपने बोल्स बड़े वाले रख दिए, ये एग पोचर रख दिया है, एग बॉयलर जो है, ये ग्लासेस हैं, ये देखिए ये इधर से जो है ग्लास हैं ये वाले कांच के सारे मेरे, और ये कप्स हैं, ये दोनों कप्स हैं, ये बड़े वाले कप्स मैंने यहाँ रख दिए हैं इस तरीके से, देखिए अरेंज किया है मैंने। कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी कि मेरे ग्लास कहाँ है, कप कहाँ है, तो मैं आराम से भी नहीं निकाल पाऊँगी। तो इसी तरीके से हम अगर चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं तो हमें कोई परेशानी नहीं होती, ऑन द स्पॉट जब भी कुछ चाहिए एकदम हमें मिल जाता है। तो आप भी देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से अरेंज किया, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये कैसा लगा। ओके, मुझे ज़रूर बताना कि जो मैंने ये ऑर्गेनाइज़ किया है ये मैंने ठीक किया है या नहीं किया है, कुछ कमी है तो मुझे ज़रूर बताइए। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 1 किलो दूध लिया है खीर के लिए बनाने के लिए, और ये मैंने 1 कटोरी चावल भिगो के पहले ही रखे हुए थे, तो ये इनको जो है अब मैं धीरे धीरे दूध में जो है ऐड कर रही हूँ, डाल रही हूँ। खीर ज़्यादा ही मैं बना रही हूँ क्योंकि यहाँ पे खीर बहुत पसंद की जाती है, तो हमारे यहाँ पर मतलब 2-1 दिन तो चलती है खीर। तो ये देखिए इस तरीके से जो है आप सिर्फ इसके अंदर दूध में ही मैंने पकाई है इसमें, और ये फुल फैट मिल्क है, तो इसमें अच्छी खीर हमारी बनती है। ये विदाउट कंडेंस मिल्क मैं बना रही हूँ, इसके अंदर कोई कंडेंस मिल्क नहीं है डला हुआ। तो ये इसी तरीके से हमने बॉईल करना है इसको दूध को,
और अच्छी तरीके से हमने बॉईल जब आ जाए इसके अंदर, तो देखिए इसको धीरे धीरे, अगर आपको ज़रूरत लगती है तो दूध हम बाद में इसमें ऐड भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये इतने ही दूध में बनेगी। इसमें धीरे धीरे आप देख सकते हैं, अगर दूध कम हो रहा है तो थोड़ा आप ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए चावल गल गए हैं अच्छे, चावल आप ऐसे इस तरीके से थोड़ा उसको जो है बीच में चेक कर सकते हैं कि गला या नहीं गला। तो ये देखिए अभी अच्छे से हो गए हैं। अब मैं इसके अंदर 1 कप चीनी मैंने डाली है। चीनी भी जो है शुगर आप अपने अकॉर्डिंग टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो उसके अकॉर्डिंग डालिए, आपको कम पसंद है तो उसके जैसे भी आपको ठीक लगता है मीठा, मतलब अपने अंदाजे से मैं डालिए। तो मैंने यहाँ पे ठीक ठाक ही डाली है। अभी क्या है कि मैंने अभी 1 कप से थोड़ी कम डाली थी, और फिर बाद में अगर ज़रूरत लगेगी तो डालेंगे। यहाँ पे मैंने फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा इस दूध के अंदर मैंने क्या डाला है, इसके अंदर मैंने एक सीक्रेट चीज़ डाली जो कि हमारी खीर को बहुत ही अच्छा कर देगा, यमी टेस्टी बना देगा। वो है थोड़ा सा मिल्क पाउडर, मतलब 2 टेबल स्पून मैंने मिल्क पाउडर, और 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर लिया है कॉम्प्लान, बच्चों का कॉम्प्लान आता है ना दूध में डाल के पीते हैं बच्चे, वो वाला कॉम्प्लान लिया है। तो आप अगर कॉम्प्लान डाल के बनाएंगे ना खीर, मैं आपको क्या बताऊँ, इतना गज़ब का टेस्ट आता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट लगता है। मिल्क पाउडर के साथ साथ आप वो भी 2 चम्मच दोनों को डालिए और फिर इसके अंदर आप ऐड करिए, हाँ बहुत अच्छी खीर बनती है, अलग ही टेस्ट हो जाता है। और यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स देखिए, काटने का टाइम नहीं था मेरे पास, तो मैं क्या करती हूँ इसी तरीके से, ये मामदस्ता छोटा सा है मेरे पास, तो इसी के अंदर ना धीरे धीरे करके बादाम कूट लेती हूँ, थोड़ा सा क्रश कर लेती हूँ, काजू को कर लेती हूँ, जो भी मतलब ड्राई फ्रूट आपने ऐड करना है उसको थोड़ा थोड़ा सा ऐसे करके, दरदरा सा ऐसे करके, और जल्दी से मेरा तो काम हो जाता है, नहीं तो काटो करो बहुत मुश्किल होता है, बहुत टाइम भी लग जाता है, तो इतना टाइम नहीं था मेरे पास, तो बस मैंने इस तरीके से इसको फटाफट से कर लिया। मैंने इसके अंदर काजू और बादाम ये 2 चीज़ें डाली हैं। इसको आप ऐसे चला के देख लीजिए, देखिए कितनी अच्छी थिक बनी है, बहुत ही टेस्टी यमी बनी थी ये खीर, देखिए कितनी अच्छी लग रही है। ड्राई फ्रूट आपके ऊपर है, आप कोई भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं, जो भी आपकी मर्ज़ी का हो, जो भी आपको अच्छा लगता हो। अब इसके अंदर क्या है, किशमिश भी डाली है मैंने, इसके अंदर काजू और वो थोड़ा सा क्रश करके डाले, और ये फिर बाद में थोड़ी सी मैंने किशमिश ऐड करी है इसके अंदर। यहाँ पे आप इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि मेरे पास अभी इलायची पाउडर नहीं था, तो मैंने इसके अंदर क्या है कि रोज़ एसेंस का यूज़ किया है। रोज़ एसेंस भी आप जब डालेंगे ना बहुत अच्छी खुशबू हो जाती है खीर के अंदर, एक अलग ही टेस्ट आता है। और चीनी थोड़ी मुझे कम लग रही थी, तो यहाँ पर आप टेस्ट करके देख सकते हैं थोड़ी कम लग रही थी, तो मैंने थोड़ी सी और ऐड करी है इसके अंदर। बस आप इसे लो फ्लेम पे जो है पकाते रहिए, थोड़ा देखते रहिए, ज़्यादा हाई पे मत करना वरना जल जाएगी, तो बस लो फ्लेम पे ही धीरे धीरे इसको चलाते चलाते हमने पकाना है। ये देखिए रोज़ एसेंस के कुछ बूंदे मैंने ड्रॉप्स डाली हैं, और बस अब ये खीर हमारी रेडी है, पक गई है, तो इसको बस अब बंद कर दीजिए, ज़्यादा एसेंस के बाद अब हम नहीं इसको ज़्यादा पकाएंगे। चलिए फ्रेंड मैं चलती हूँ, ये ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ, तब तक अपना और अपना का ध्यान रखिए, बाय बाय।